कप्तान, शराब की बोतल आ रही है। देखो क्या है। कप्तान, इसमें तो कचरा भरा हुआ है। दिखाओ। अरे पागल, कचरा इस बोतल में नहीं, तेरे दिमाग में भरा हुआ है। ये कोई कचरा नहीं, ये तो एक नक्शा है। तुम लोगों को पढ़ना आता है? नहीं, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। मुझे तो नहीं आता। क्या तुम किसी को जानते हो जो ये नक्शा पढ़ पाए? ऐसा तो एक ही आदमी है 72 भाषाओं को जानने वाला। पूरे दुनिया में मशहूर। विलियम एस्टर। हाँ मैं जानता हूँ, वो कहाँ रहता है। चलो उसके पास चलते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। चलो। कैसे आना होगा गरीब की झोपड़ी में? वो तो कुछ काम था इसलिए आए। वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? कुछ पूजा दिन आपकी भाषा है, उसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो शब्द है जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन से दो शब्द? ढोकला फाफड़ा। ज्यादातर चैप्टर में इसी का जिक्र किया गया है। ढोकला फाफड़ा नाम से तो ये कोई बड़ा खजाना लगता है। इस खजाने को बाद में ढूंढे हैं, पहले नक्शा दिखाओ। वैसे ये दोनों नमूने कहाँ से मिले तुम्हें? ये दोनों, इन दोनों को मैंने मर्सिया के गुलामों के बाजार से खरीदा है। क्या कीमत थी इन लोगों की? ये पहलवान देख रहे हो, इसे तो सोने के अश्रफ देके खरीदा है। और ये सुखा बाबर? ये इसे तो उन लोगों ने लूट में ही दे दिया। वो सब छोड़ो कप्तान, ये लिखा देख रहे हो, ये स्पेनिश भाषा में लिखा हुआ है। वैसे क्या लिखा है? उनामानी था मैं सोनल सा तो बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। गाने की धुन से तो ये कोई हमारे जैसे लुटेरों का गाना लगता है। इसका मतलब क्या होता है भैया? एक पहेली है कप्तान। क्या? गहरा समुद्र, उसके पास एक टापू, जो ये रहस्य सुलझा सका वो बन गया सबका बापू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये तो किसी अमृत का नक्शा है। वहाँ पे मैं जाता हूँ और इन लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ और पूरा का पूरा अमृत मैं पी लेता हूँ। कप्तान, आप सोच भी नहीं सकते आपके हाथ क्या लगा है। क्या? ये तो बहुत बड़े खजाने का नक्शा है। जल्दी से चलो इसके पहले कोई और पहुंच जाए। हाँ हाँ, माजी निकलेंगे, सफर लंबा है, चलो जल्दी। कप्तान, आगे खतरे भी आएंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। चलो जो भी होगा देख लेंगे।
कप्तान, ये पानी कितना गहरा होगा? जा जाके नाप क्या। कप्तान, उसे धक्का क्यों दिया? वैसे भी वो किसी काम का नहीं था, इसलिए उसे धक्का दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। वो रहा किनारा। हाँ चलो। अब नक्शे में देखो हम लोग कहाँ पहुंच चुके। कप्तान, वो तो वही आइलैंड है। आज तक यहाँ जो भी आया वो कभी वापस नहीं गया। हम लोग को ये आइलैंड पार करके जाना है। हम लोग डरने वालों में से नहीं है। चलो चलो जंगल की तरफ चलते हैं। कप्तान, हम काफी थक चुके हैं। कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ ढूंढना तो पड़ेगा ही, मुझे भी भूख लग रही है। जैक्स पेरो, उस शराबी का नाम क्यों ले रहा है? वाह रहा है। शराबी किसे बोला साले? बालभूषा, तू भी आ गया खजाने की तलाश में, अब मरेगा इधर साले। मरेगा तो तू जैक्स पेरो। जैक्स पेरो नहीं, समंदर का किंग कप्तान जैक्स पेरो। कप्तान, इससे दुश्मनी मत करो, ये हमारे काम आ सकता है, इसे अपने साथ ले चलो। ठीक है ठीक है, वो सब छोड़ो, कोई खाने पीने के लिए हो तो बताओ। उठो। ये क्या है? ये मुझे अनोखे पेड़ से मिला है, मैंने 20 दिनों तक खाया है ये। तुम भी खाओ, शरीर में जान आ जाएगी। रुको, इसे ऐसे नहीं खाते, मैं दिखाता हूँ कैसे खाते ही। इसको ऐसे करने का देखो, मैं दिखाता हूँ। कप्तान, ये तो नाच रहा है। हम भी नाचते हैं। नाच क्यों रहे हो? आप नाच रहे हो इसलिए? मैं तो इसे मिक्स कर रहा था, इसे ऐसे खाते हैं ना। हाथ आगे करो। कैसा लगा खाने में? बारकता है, इसमें इसे खा के तो जान आ गई। क्या था ये? चलो आगे चलो, और भी खिला दो तुम लोगों को। ठीक है चलो आगे। कप्तान, हम जहाँ जा रहे हैं, वैसे तुम इधर कैसे आ गए? नक्शे की वजह से। नक्शा दिखाओ। चलो नक्शा मत दिखाना। दिखाओ वरना इसका खोपड़ा फोड़ दूंगा। ये पकड़ो। ये कौन सा नक्शा है? खजाने का नक्शा है।
चलो तो मैं भी खजाना लूट लूंगा। रुको तुम लोग इधर बैठो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। कप्तान यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग जलाने के लिए कुछ करो। ये साला जैक किधर चला गया? हम धूपी या ठंडी से मर रहे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। जल्दी आग जलाओ। जैक स्पैरो तो किधर चला गया था? हम लोग ठंडी से मरने वाले हैं। इधर बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम लोग भी? बहुत ठंड है। जल्दी आग जलाओ, हमें बहुत ठंड लग रही है। यार अभी भी बहुत ठंड लग रही है। अभी भी ठंड लग रही है तुम लोगों को? हाँ बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो। चलो तो मैं तुम्हें अपनी चीज देता हूँ। ये क्या है? ये है अमृत से अमृत। इसे कैसे खाते हैं? इसे खाते नहीं, इसको होठों से लगाते हैं और सांस भरते अंदर। यार अभी जान में जान आई, बहुत ठंड लग रही थी मेरे तो। हाँ। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है। सही में ये कहाँ से मिली तुम्हें? अपने पास सब इलाज है। कप्तान अभी निकलते हैं खजाने की ओर। ठीक है, हमने वैसे भी बहुत देर कर दी है। सुनो चलो, यहाँ किस तरफ जाना है हमें? किस तरफ जाना है? आगे चलो। आगे ठीक है। पैरो नक्शे में देखो हम कितनी दूर पहुंच चुके हैं, अभी भी नहीं आ रहे। आइलैंड का हिस्सा आधा पार कर लिया है हमने, अब आधा बाकी है और ये बहुत खतरनाक आइलैंड है। कंपास दिखाओ, हमें किस तरफ जाना है? आगे चलो। संभल के, ये जंगल बहुत खतरनाक है, अभी खतरा भी आ सकता है। कुछ भी बकवास करता है जान। ये कप्तान साला मुझे बकवास बोल रहा है। इस एरिया का मैं किंग हूँ, अभी हिप्नोटाइज एरिया आ गया है, मैं अभी मजे लेता हूँ इन लोगों के सालों। चल मैं कान में लगा लेता हूँ। कप्तान मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। मुझे भी, और चक्कर भी आ रहा है। Woo!
सामे ना सामे रारा सामे बंगरु सामे मिसाला सामे रोशला सामे ना सामे बंगरु सामे मिसाला सामे। कप्तान क्या हुआ था? मुझे नहीं पता, चलो। मुझे रक्षा दो। वैसे तू ही रखिए, मुझे किसी काम का नहीं, मुझे तो सिर्फ खजाना चाहिए। कप्तान ये तो यहीं पे है। कौन सा पेड़? खजाने का ये। हाँ मैं जाके देखता हूँ खजाना। तो ये छोटी बोतल मिली। कितने है जैक? ये अमृत है, मैंने तुम लोगों को उल्लू बनाया था। अमृत इसे पीकर हम अमर हो सकते हैं। अमर तो मैं पीऊंगा। नहीं मैं कप्तान हूँ, मैं पीऊंगा। मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी आधा अमर होना है। मुझे चाहिए। सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। तुमने बोतल तोड़ दी, तुमने तोड़ा। मैं अमर होने वाला था, इससे मेरा हक था पूरा। छोड़ो मैं जा रहा हूँ, तुम भी जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, जाओ अपने अपने रास्ते। मैं भी जा रहा हूँ। मैं अकेला तो इस टाइम से नहीं निकल पाऊंगा, लोगों की मदद लेनी ही पड़ेगी। रुको, तुम लोगों के पास जहाज है क्या? मेरे बिना तुम इस आइलैंड से नहीं निकल पाओगे। अगर मेरी मदद चाहिए तो इधर आ जाओ। कप्तान की बात सही तो है, मेरे पास नक्शा तो है लेकिन जहाज ही नहीं है। चलो तो मैं कप्तान के पास चलता हूँ। कप्तान ने सही कहा, मैं कप्तान के बिना कुछ भी नहीं। चलो मैं कप्तान के पास चलता हूँ। कप्तान जैक की मदद के बिना ये जंगल हम पार नहीं कर पाएंगे, उसे भी अपने साथ ले चलो। ठीक है, बुलाओ उसे। जैक मुझे बुलाया, चलता हूँ। जैक आ रहा है, आने दो उसे। हमारे साथ चलो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक ऑफर है। क्या ऑफर है? हमारे पास शराब की बहुत सारी बोतलें हैं। तो जहाज कहाँ है? ये देखो, ब्लैक पर्ल। तो उसमें शराब होगी ना? बहुत सारी शराब है। तो चलो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ एक बात, जैक स्पैरो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।